अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर लेवल वन के चयनित शिक्षकों की आज हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसी को लेकर यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और लगातार ये अपनी नियुक्ति की सरकार से पिछले महीने भर से नियुक्ति की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष 21,000 पदों पर प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसमें लेवल वन के करीबन 15,000 पदों पर नियुक्ति दे दी है और 6,000 पदों पर नियुक्ति बाकी है। आज इनके हाई कोर्ट में विवादित प्रश्नों को लेकर सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर आज ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सर, आज आपकी हाई कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है और बजरंगबली से अब तो उम्मीद उनसे ही है, जो करेंगे वो करेंगे। उम्मीद है आज कुछ भी होगा, जो पक्ष पर सुनाई पूरी होगी। आज अगर आपकी नियुक्ति का रास्ता खुलता है तो आपको कितनी खुशी होगी? खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, फिर जो करेंगे तो फिर खुशी अपनी खुशी है और क्या। हम तो यही चाहते हैं अब तो कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हो जाए जो है, आज जो है जो क्लियर हो। दूर से आए हैं आप, लगभग महीना भर हो गए आपको यहाँ प्रदर्शन करते हुए, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा? सर, परेशानियाँ क्या है, यही एक ठंड, सर्दी, गर्मी, बारिश भी हुई है, सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अभी गर्मी पड़ने लगी है, पानी वाने की समस्या भी रहती है, पर फिर भी सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए धरने का सहारा लेना पड़ता है। आज आपकी नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता खुलता है तो आपको सरकार को धन्यवाद देंगे? हम सरकार का शुक्रिया करेंगे। देखिए, तमाम चयनित शिक्षक हैं जो 28 दिनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है और आज इनकी राजस्थान हाई कोर्ट में विवादित प्रश्नों को लेकर सुनवाई भी है और लगातार ये भगवान से अपनी नियुक्ति की प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे समय से आपका प्रदर्शन चल रहा है, आज हाई कोर्ट में सुनवाई है, इसको लेकर हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमारी यथास्थिति हट जाए और यही चाहते हैं, भगवान से यही दुआ है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ किया हमने और हम एक महीने से धरने पे बैठे हुए हैं, हमारा काम नहीं हुआ, आज उम्मीद है हमको और यही कहना चाहते हैं। सर, लगता है हाँ जी बिल्कुल, सुनवाई अभी तो सुनवाई चल रही है, हियरिंग चल रही है और जितनी लंबी बहस चलेगी उतना अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी निर्णय है, मैं तो यही आशा करता हूँ और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि काम हो जाएगा। आज आपकी नियुक्ति प्रक्रिया रास्ता खुलता है तो आप सरकार को धन्यवाद कर? बिल्कुल, सरकार को भी धन्यवाद करेंगे, बोर्ड को भी धन्यवाद करेंगे, आलोक जी को भी करेंगे, जो जिन नेताओं ने, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया इस धरातल पर आकर, सभी को धन्यवाद करेंगे। मीडिया को तो सबसे पहले करेंगे क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँच पाई है। देखिए, तमाम चयनित शिक्षक हैं और लगातार इनका महीने भर से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष 21,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसमें लगभग 15,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार द्वारा दे दी गई है, मगर 6,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है और आज इनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। लगातार पिछले एक महीने से ये अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सर, आज हाई कोर्ट में आपका मामला चल रहा है, अगर आज आपकी नियुक्ति का रास्ता हाई कोर्ट की तरफ से खुलता है तो आपको कितनी खुशी होगी? जी सर, आज देखो सबसे ज़्यादा उम्मीद है, आज राजस्थान हाई कोर्ट की जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है केस की, आज वो पूर्ण रूप से अध्यापक लेवल प्रथम को समर्पित है, केवल उसमें एक ही केस लिस्ट हुआ है लेवल फर्स्ट का और आज हमें पूरी आशा है कि आज कुछ ना कुछ रास्ता हमारे लिए निकलेगा और हम आशा भी यही करते हैं कि आज स्टे बहाल हो तो हम कल परसों जब भी हो सरकार से आदेश निकलवा कर तुरंत आचार संहिता से पहले स्कूलों में जाएं। धन्यवाद। सर, आप कहाँ से हैं? 28 दिनों से लगभग? मैं यहीं से जयपुर से ही हूँ। आज आपका नियुक्ति का रास्ता हाई कोर्ट की तरफ से खोला जाता है तो कितनी खुशी होगी? सर, खुशी तो बता नहीं सकते, जाहिर नहीं कर सकते शब्दों में कि कितनी होगी, क्योंकि लगभग 4 से 5 महीने हो गए कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, इतने दिनों से, इतना टाइम से जो कोर्ट में चल रहा है, पहले आचार संहिता में हम परेशान हुए थे और उसके बाद में अभी कोर्ट में चल रहा है केस, तो उसमें स्टे आ जाने के बाद में भी अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, तो मानसिक और हर प्रकार से हम पीड़ित हैं। तो सर, ये तो ऐसा ही है कि मतलब अगर आज कुछ फैसला आता है तो खुशी तो बहुत ज़्यादा होगी, हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों को भी होगी, क्योंकि वो भी हमारे साथ आस लगा के बैठे हैं कि कुछ ना कुछ हो और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे भी स्कूलों में जाएं। देखिए, तमाम चयनित शिक्षक हैं और लगातार महीने भर से इनका प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से पिछले वर्ष 25 फरवरी को 21,000 पदों पर लेवल एक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा शुरू की गई थी। उसमें 15,000 पद ऐसे हैं जिन पर सरकारी नियुक्ति सरकार द्वारा दे दी गई है, मगर लगभग 6,000 पद ऐसे हैं जिन
जिन पर अभी सरकार द्वारा नियुक्ति देनी बाकी है, और आज इनका विवादित प्रश्नों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में इनका मामला चल रहा है, उसी में इनकी सुनवाई चल रही है। आज इनको पूरी उम्मीद है कि आज हमारे इस मामले में नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।